फोटो खींचने तस्वीर आ गई। प्राइस ऑफ दिस बाइक, प्राइस ऑफ दिस बाइक 18 लाख, न्यू प्राइस। बदमाश आदमी बाबा। ये हम गुजर रहे हैं जी दरियाए सूतलिज से। पीछे टोल प्लाजा के ऊपर लिखा था सूतलिज। और ये सीधा इस तरफ या इस तरफ, ये मेरे शहर को जा रहा दरिया। भावल नगर से गुजरता है दरियाए सतलुज, इसी साइड पे ही होगा, और तो इस साइड पे तो पॉसिबल नहीं है। और वो जो दूर आपको एक वो नज़र आ रहा है ब्रिज, वो लोहे का इस तरह वो दी फेमस ब्रिज है, उसके अंदर से ट्रेन गुजरती है। बहुत खूबसूरत सीन है वो। वेलकम टू बहावलपुर। बहावलपुर के लोगो, हेलो एंड गुड बाय। क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं। अली साहब मैकडोनल्ड आपकी कमजोरी, मैकडोनल्ड। ओए होए होए, अली गौरसी से बड़ा मैकडोनल्ड लवर। एक अली साहब और मैं एक बंदे को जानता हूँ, ये दो लोग ऐसे हैं कि मैकडोनल्ड को चाहिए कि इनको लाइफ टाइम फ्री कर दे कहीं भी मैकडोनल्ड। अभी हमारे असल में ना पेट भर रहे हुए, वरना हमने मैकडोनल्ड ठूस लेना था। यार इधर कहीं हाई ऑक्टेन नहीं मिलता? हाई ऑक्टेन, हाँ किधर से मिलता है? रेमियर खान से फुल करवा लूँ। रेमियर खान कितने किलोमीटर है यहाँ से? कितना? 65। अच्छा 70। अभी हम लोग रहीमियर खान से तकरीबन 70 किलोमीटर पीछे हैं, और कोई 15-20 किलोमीटर पीछे से हम लोग देखते आ रहे थे कि कोई हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल पंप मिले, लेकिन कोई भी हाई ऑक्टेन वाला नहीं मिला। तो अभी यहाँ से हमने डलवाया है, सिंपल पेट्रोल टैंक फुल करवाए हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे ऑक्टेन बूस्टर। लो जी एक टैंक में हमने डालना है यहाँ तक, लेकिन ये नज़र कोई नहीं आ रहा। अंदाजे से डाल दूँ, प्राइस ऑफ दिस बाइक 18 लाख, न्यू प्राइस। फाइन, मैनू पंजाबी आंदी है, मैनू पंजाबी आंदी है। गवादर कराची, पता नहीं यार, अभी सुबह 4 बजे से चले हुए हैं। हाँ देखो कब पहुँचते हैं। नहीं नहीं लाहौर से आए हैं अभी। ओके, उनको लग रहा था हम फॉरेनर्स हैं। कहता इंग्लिश में गया। कहता प्राइस ऑफ दिस बाइक। 10 मिनट हम लोग रुके हैं तो हमें गर्मी फील होनी शुरू हो गई है। मतलब चल रहे हैं तो हवा ठीक है, ठंडी बिल्कुल नहीं कह सकते, अच्छी हवा है। और वो जो पंप पे लोग खड़े थे वो कुछ सिंध के लोग थे, तो वो कहते हैं थे इंजॉय कर लो जड़ा करना है, आगे जाके लग सी पता। वेलकम टू रहीमियर खान। बोर्ड मैंने देर से देखा, गोप्रो ने ऑन होने में थोड़ा टाइम लगा दिया। तो रहीमियर खान का मेन गेट था वहाँ पे, ये शायद हम लोग बाईपास पे हैं। अंदर जो है वो रोड गई है सिटी, है ना, सिटी की रोड वो थी ना अंदर जो गई है। और रोटी खिला दे इतने जुलाई चल रहा वा। ये रोड जा रही है जी सादकाबाद सिटी के अंदर, और ये सारा रास्ता हमारा सीधा सादकाबाद शहर। अब्बू की पहली अपॉइंटमेंट जो है वो ज़िंदगी में सादकाबाद में हुई थी, तो सादकाबाद को बड़ा याद किया जाता है हमारे घर में अक्सर। ये है जी जायका रेस्टोरेंट, सादकाबाद हमने क्रॉस किया और जायका रेस्टोरेंट पे रुके हैं अली साहब की रिकमेंडेशन पे। अभी बताइए मैकडोनल्ड्स खाना है या ये खाना है? एज योर विश। इंडोर होगा, वो लोग निकल रहे हैं उधर से, लेकिन वो ख्वातीन हैं और हम मर्दाना हैं।
बाइक उधर ही ले चलें। इधर तो भाई फुल ऑन गर्मी है, जिस तरह आप समझ लो कि मिड जुलाई या एंड जुलाई उस तरह की गर्मी है। मतलब हवा ठीक है लेकिन वैसे ओए होए फुल ऑन गर्मी वाइब्स हैं भाई। गर्मी के जो हालात हैं जैकेट उतार ही देनी चाहिए। हमने ऑर्डर किया है जी चिकन जिंजर, कलमी टिक्का, रोटी, सैलड, रायता। हमें लाहौर से निकले हुए तकरीबन 11 घंटे होने लगे हैं, 15 मिनट बाकी हैं क्योंकि 2:45 हो चुके हैं और कोई 650 किलोमीटर जो है हमने कर लिया है। अभी आगे हमारा सफ़र जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर का होगा। सखर जो है यहाँ से 225 किलोमीटर होगा, वहाँ जाके हमने अपनी फाइनल ब्रेक लगानी है। और यार गर्मी लेकिन राइड का मज़ा आ रहा है, इतना ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठीक है बस खींच रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमने सक्कर पहुंच रहे हैं और उसके बाद आगे मंजिल तो आगे है। जब मंजिलें दूर हों तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए बाइक बस फंड सो फंड। और बहुत भूख लगी हुई है और हालत इस टाइम भूख की वजह से थोड़ी डाउन है। थैंक यू सो मच भाई। बाहर से जो है वो जायका रेस्टोरेंट एक ढाबा लग रहा था लेकिन अंदर इन्होंने फुल माहौल बनाया हुआ है। और अभी टाइम पता नहीं क्या हो गया, घड़ी देखूंगा, एक हाथ में ये चीज़ें एक हाथ में कैमरा, घड़ी देखूंगा तो पता लगेगा टाइम क्या हो चुका है। 4:05 4:05 सूरज नीचे जाने में कोई 2 घंटे हैं। 2 घंटे हैं, 6 बजे तक। कितने बजे मगरिब होती है यहाँ पे? 5:30। सही है। खैर अभी तक ट्रिप इंतहा से ज़्यादा मज़े का जा रहा है, सिर्फ हम जुलाई में वापस आ चुके हैं। हमें वैसे क्या बनी कि हम नवंबर से निकल के जुलाई में आ गए। चलो यार आगे निकले। ठीक है, लाहौर से ये अपना ही है। हाँ जी हाँ जी, खुद टूर पर, टूर कराची। अच्छा रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने पूछा था कि हम सक्कर कितनी देर में पहुंचेंगे, तो वो बोल रहे थे कि आपको 2-2.25 घंटे लगेंगे और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको जो है वो हो सकता है कुछ 4 घंटे लग जाए। पता नहीं यार क्या आगे रोड का मसला है या क्या है, मुझे नहीं पता, देखते हैं। अभी 16:09 हुए हैं, अभी 4:09 हुए हैं, देखते हैं इंशाल्लाह हम सक्कर कितनी देर में पहुँचते हैं। और 4:09 का मतलब है कि एग्जैक्ट 12 घंटे हमें हो चुके हैं लाहौर से निकले हुए। और यार मैं अभी रेस्टोरेंट पर बैठा था तो कल वाली वीडियो के कॉमेंट्स चेक कर रहा था, उसमें बहुत से कमेंट्स थे सक्कर के लोगों के, रहीम यार खान, सादकाबाद और बीच में और पता नहीं कितने शहर आते हैं, वहाँ से कमेंट्स आए हुए थे कि हमारे पास रुकें या खाना शाना खाएं। यार थैंक यू सो मच, आप लोगों की ये मोहब्बत जो है वो काफ़ी है। असल में ये होता है कि जब इस तरह हम रूट पे निकले हुए हैं तो उसमें अगर हम इस तरह रुकते जाएँगे तो हम शायद 4 दिन में भी अपने पॉइंट पर ना पहुँच सकें, तो ये मसला है भाई। आप सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कभी लाजमी। और ख़वातीन और हज़रात, क्रॉसिंग इंडो सिंध एंड गुड बाय द पंजाब DPO रहीम यार खान। DPO रहीम यार खान ने गुड बाय कह दिया हमें और ये हम लोग सिंध में एंटर हो चुके हैं फाइनली जी। कितने घंटे बाद? 12:30 घंटे बाद। सिंध की हवाएं यार, यहाँ तो दरख्तों के रंग ही कुछ और हैं। वाओ, यहाँ तो सड़क भी किसी और कलर की है। आर्मी रेंजर्स, हाँ यहाँ पे चेकिंग हो रही है क्योंकि आप सिंध में एंटर हो रहे हो ना। To be
हद से ज़्यादा खूबसूरत सनसेट, पूरा सनसेट इन्जॉय किया मैंने उसको पहले, आपने वीडियोस में देख लिया है। ऐसे एक बिल्कुल आप समझो कि ऑरेंज कलर का कोई ग्लोब है जिसमें ऐसे ग्लो सी लाइट चल रही है, वो अब बाहर अपनी लाइट नहीं फेंक रहा हूँ जिस तरह वो एकदम आपको देखा नहीं जाता सूरज को, बड़ी खूबसूरत एक मंजर है। और साथ में ये कोयले वाली ट्रेन जा रही है। बशीर तनु मैं छटना नहीं है, बशीर हार गया आज अली साहब, आज नहीं ये रेस लगा सकता हमसे। बदमाश आदमी बाबा। ये मेरे सारे दोस्तों के लिए सिंध में से तोहफे, लूंगर ही लूंगर, जवाद बंटी असद तला। ये मेरे सारे दोस्त लूंगरों के बड़े शौकीन है यार, तो मैं उनके लिए पूरे डाला लेके जा रहा हूँ। ट्रालों की लंबी लंबी लाइन। और ये है जी रोहड़ी टूल प्लाजा। गौरसी साहब वेलकम टू रोहड़ी टूल प्लाजा। और हम क्या ख्वाब देख रहे थे कि सनसेट रोहड़ी में पकड़ेंगे। ड्रोन शॉट लेंगे रोहड़ी में, बड़ी खूबसूरत मुझे अली भाई ने बताया कुछ जगह हैं, बड़ा एक ऐसे नज़ारा लगता है आपको कि वो मार्स है। मैं तो वो देख भी नहीं पाऊँगा क्योंकि रात हो चुकी है, तो ड्रोन शॉट तो बहुत दूर की बात है। हम पता नहीं कौन से ख्वाबों में सोच रहे थे कि हम सनसेट रोहड़ी में पकड़ेंगे। फुल ऑन बड़ा बाजार है भाई। हम लोग सखर पहुंच चुके हैं और मेरी में किधर है ये रहा, ओ इनकी पार्किंग नहीं है यार, ये नहीं हो सकता गाइस। किधर है पार्किंग? मेरे मीटर पे सेम रीडिंग है 787.5 किलोमीटर। और किधर? चेक इन करके हम लोग अपने रूम में पहुंच चुके हैं। अभी हो रहे हैं 7:22, लेकिन 7:45 हम लोग होटल की पार्किंग में पहुंच गए थे। तो आज की राइड हमारी कितने 15 घंटे की हुई, 15 घंटे हमारा मैक्सिमम दोनों का जो वन गो में रिकॉर्ड है वो है 16 घंटे का। हमें लग रहा था आज टूट जाएगा लेकिन वो नहीं टूटा, वो था इस्लामाबाद से चिलास का, उसमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, टाइम ज़्यादा था। आज टाइम कम है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो 15 घंटे, ये 1.25 घंटा और हो जाता ना तो हमारा रिकॉर्ड अपना ही टूट जाना था। लेकिन भाई ओह बस आपकी सोच है जो कि 3-4 घंटे पहले से ट्रैफिक, मिट्टी कट्टा और जो हालात थे, ओह ना पूछो। अभी सिर्फ जाके फ्रेश होना है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, अभी कोई जान में जाना ही है। खा के बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएगा। इधर कोई इनका हॉल है, वहाँ पर भाई से ही जोर लगाई खड़ा अपना, सुनो आप भी। इधर से आ रही है भाई, राहत फतेह अली खान सस्ते में मिलता है। नहीं ये वो वाला है, हां जी, और सस्ते में दिखाए। खाने में हमारे पास क्या क्या है? चिकन कश्मीरी हांडी, मिक्स सैलेड, चिकन कश्मीरी हांडी, मज़ेदार खाना है, रोटी नान। अच्छा भाई खाना शाना खा के ऊपर आए तो मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करने लग गया था, अभी आहिस्ता बोल रहा हूँ, लोग सो रहे होंगे। रात के टाइम हो चुका है 12:20। अच्छा ये जो हमारा गवादर ट्रिप है इसकी वीडियोस का एक रूल है मैंने थोड़ा सा चेंज किया, वो ये कि जब वीडियो 15-16 मिनट से ऊपर जा रही होगी, जो लंबी वीडियो होगी, वो दो पार्ट्स के अंदर हम उसको कट कर देंगे बीच में से, मतलब 15-16 मिनट पे ही वहाँ से वो टू बी कंटिन्यूड, जो आज वाली वीडियो में जिस तरह से आपने देखा है 15-16 मिनट पे वीडियो कट हो जाएगी, एंड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा टू बी कंटिन्यूड, जिस तरह आज वाली दोनों वीडियोज़ में हुए। और उसी दिन उसका अगला पार्ट भी मिल जाएगा, ये नहीं होगा कि उसका अगला पार्ट उससे अगले दिन आएगा, सेम डे दोनों पार्ट्स अपलोड होंगे, लेकिन 15-15 मिनट या 14-14 मिनट या 14-15 मिनट के बाद वो जितना भी होगा वो अलग दो पार्ट्स में। खैर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख रहे भाई को दो हमें याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अभी मैं सोऊंगा और सुबह हम लोगों ने 6:30 उठना है और अपना ट्रिप कंटिन्यू करना है। अल्लाह।